हेलो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हो मैक्स टेक्निकल 360 चैनल और आपका भाई मैक्स फिर से आ गया एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेसबेरी पाई पी को एंड जॉयस्टिक मॉड्यूल को यूज करके एक जॉयस्टिक पीसी कंट्रोलर बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेसबेरी पाई पीको का HID फंक्शन देखेंगे एंड सर्किट पाइथन को यूज करके हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट को यूज करके हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक रेसबेरी पाई पीको एंड एक जॉयस्टिक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ये जॉयस्टिक मॉड्यूल है और इसका ये कैप है, तो इसे पहले लगा लेते हैं। तो इस जॉयस्टिक मॉड्यूल और चार जम्पर वायर के हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए अब सर्किट कनेक्शन शुरू करते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सर्किट डायग्राम पूरा मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख के इसे बना सकते हो बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसे प्रोग्राम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो अब हम रेसबेरी पाई पीको को प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ फाइल्स को पहले डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उधर से आप लोगों को उस फोल्डर को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस फोल्डर में आप लोगों को चार फाइल्स मिल जाएगा। तो एक होगा TXT फाइल जो है कोड, और जो है एक UF2 फाइल मिलेगा जिसको आप इंस्टॉल करने के बाद ही ये सर्किट पाइथन में प्रोग्राम होना शुरू कर देगा। और इधर पे एक HID लाइब्रेरी फाइल है जिसको आप लोगों को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो ये जॉयस्टिक मॉड्यूल काम नहीं करेगा। तो चलिए स्टेप वाइज वो देखते हैं कैसे ये काम करना है हमें। तो हमारा जो रेसबेरी पाई पीको है ये कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हो वो डी ड्राइव में कनेक्टेड है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसे ड्रैग करना है एंड डी ड्राइव में इसे पेस्ट कर देना है। तो ये ड्राइड हो रहा है तो हमारा रेसबेरी पाई पीको में, तो ये देख सकते हो आप लोग डिसकनेक्ट हो चुका है। तो ये फिर से कनेक्ट होने वाला है। तो हमारा जो रेसबेरी पाई पीको है वो फिर से कनेक्ट हो चुका है एंड इसका नाम चेंज होकर सर्किट पाई हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो ये है हमारा जो सर्किट, जो हमारा रेसबेरी पाई पीको के अंदर जो फाइल्स है वो कुछ ऐसा दिखने को होगा। एंड इधर पे आप लोगों को code.py बोल के एक फाइल है और इसमें आप लोगों को प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो पाइथन में जो होता है वो main.py पे हमें सेव करना पड़ता है, बट सर्किट पाइथन में हम आप लोगों को code.py पे ही सिलेक्ट करना है एंड इसे सेव करना है कोड को। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, फिर से उस फोल्डर में जाना है एंड Adafruit जो लाइब्रेरी है इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को जाना है। उसके बाद आप लोगों को और एक फोल्डर मिलेगा जो है circuit.python बोल के Adafruit का HID लाइब्रेरी, एंड इधर पे आप लोगों को Adafruit HID बोल के एक फोल्डर मिलेगा, इसको आप लोगों को कॉपी करना है एंड सिंपली जाके आप लोग को रेसबेरी पाई पीको के फोल्डर पे आना है एंड लाइब्रेरी फाइल के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। जो LIB बोल के फोल्डर है उसके अंदर आप लोगों को इसे पेस्ट कर देना है। तो ये काम हो चुका है एंड इधर पे आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना है एंड सिंपली इस फोल्डर को कट कर देना है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, थॉनी आईडी को ओपन कर लेना है एंड इधर पे आप लोगों को पहले जाना है टूल्स पे, उसके बाद ऑप्शंस एंड इंटरप्रेटर, एंड इधर पे आप लोगों को बोर्ड सिलेक्ट करना है रेसबेरी पाई पीको, एंड इधर पे COM port 7 को आप लोग को चूज कर लेना है एंड ओके पे प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो इधर पे Adafruit सर्किट पाइथन 6.2.0 एंड इधर पे ये आ चुका है शेल कमांड पे। तो आप लोगों को आप लोगों का जो हाफ काम है वो हो चुका है, आप लोगों को सिंपली कोड को रन करना है एंड ये काम हो चुका है। तो इधर पे आप लोगों को कोड भी मिल जाएगा TXT फाइल में, इधर पे आप लोगों को कोड को कॉपी करना है एंड इधर पे आके पेस्ट कर देना है, इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आप लोगों को इस कोड को सेव करना है रेसबेरी पाई पीको के अंदर एंड इधर पे आप लोगों को code.py को सिलेक्ट करना है एंड ओके पे प्रेस कर देना है। तो ये कोड रन हो चुका है एंड इधर पे हम रन बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे एंड देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो हम जॉयस्टिक को थोड़ा सा मूव करेंगे, आप लोग देख सकते हो हमारा जो कर्सर है वो मूव कर रहा है। तो बहुत लोग सोचोगे कि भाई वो माउस से कर रहा है, बट मेरा जो दोनों हाथ है आप लोग देख सकते हो, मैं दोनों हाथ को यूज़ करके ये जॉयस्टिक को यूज़ करूँगा। और इधर पर आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से ये माउस कर्सर है वो काम कर रहा है। इधर पर आप लोग का जो जॉयस्टिक मॉड्यूल है वो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा डेमो आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तो बाय बाय।